हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 5 के अंदर ले रहे हैं लेक्चर नंबर 17। टॉपिक है अनसैंपल टी टेस्ट। इन ए वन सैंपल टी टेस्ट वी कंपेयर द एवरेज और मीन ऑफ वन ग्रुप अगेंस्ट द सेट एवरेज और मीन। इसमें एक वन सैंपल टी टेस्ट में हम कंपेयर करते हैं एवरेज या मीन किसी एक ग्रुप का अगेंस्ट द सेट एवरेज, एक निश्चित एवरेज वैल्यू से। दिस सेट एवरेज कैन बी एनी थ्योरेटिकल वैल्यू, ये कोई भी थ्योरेटिकल वैल्यू हो सकती है, और इट कैन बी पॉपुलेशन मीन, उसे पॉपुलेशन मीन भी ले सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ए रिसर्च स्कॉलर वॉन्ट्स टू डिटरमाइन इफ द एवरेज ईटिंग टाइम फॉर ए स्टैंडर्ड साइज बर्गर डिफर फ्रॉम ए सेट वैल्यू। रिसर्च स्कॉलर डिटरमाइन करना चाहता है एवरेज ईटिंग टाइम कितना है एक स्टैंडर्ड साइज बर्गर का जो डिफर है सेट वैल्यू से। लेट्स से दिस वैल्यू इज 10 मिनट। हाउ डू यू थिंक द रिसर्च स्कॉलर कैन गो अबाउट डिटरमाइनिंग दिस। तो इस चीज़ से वो रिसर्च स्कॉलर क्या डिटरमाइन करना चाहता है। ही कैन ब्रॉडली फॉलो द ब्लो स्टेप। तो ये डिफरेंट स्टेप वो फॉलो कर सकता है। सेलेक्ट ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल को सेलेक्ट करे वो। रिकॉर्ड द इंडिविजुअल ईटिंग टाइम ऑफ ए स्टैंडर्ड साइज बर्गर, और उनके ईटिंग टाइम स्टैंडर्ड साइज बर्गर के को इंडिविजुअली रिकॉर्ड करें। कैलकुलेट द एवरेज ईटिंग टाइम फॉर द ग्रुप, इसके बाद उनका एवरेज निकाले ईटिंग टाइम्स का ग्रुप का। फाइनली कंपेयर दैट एवरेज वैल्यू विद द सेट वैल्यू ऑफ 10। इसके बाद एक सेट वैल्यू ऑफ 10 से उस एवरेज वैल्यू को कंपेयर करें। दैट इन स्टॉल इज नाउ हाउ इज हाउ वी कैन परफॉर्म ए वन सैंपल टी टेस्ट। हियर द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस। टी इक्वल्स टू एम माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एम, वेयर टी इज टेस्टिक, एम मीन ऑफ ग्रुप, मीन ऑफ द ग्रुप, म्यू थ्योरेटिकल वैल्यू और पॉपुलेशन मीन, एस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ग्रुप, और एन ग्रुप साइज और सैंपल साइज। एज मेंशन्ड अर्लियर इन द अज्यूम्पशन दैट लार्ज सैंपल साइज शुड बी टेकन फॉर द डेटा टू अप्रोच ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज सैंपल डेटा के लिए आता है। ऑल्दो टी टेस्ट इज एसेंशियल फॉर स्मॉल सैंपल एज देयर डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉन नॉर्मल, जबकि हम देखते हैं टी टेस्ट में हम स्मॉल सैंपल्स के लिए यूज किया जाता है ज़्यादातर, जो कि नॉन नॉर्मल है डिस्ट्रीब्यूशन इसका। वंस वी हैव कैलकुलेटेड द टी टेस्टेड वैल्यू, द नेक्स्ट टास्क इज टू कंपेयर इट विद द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द टी टेस्ट। एक बार टी स्टैटिस्टिक वैल्यू यदि हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसको हमें क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करना है। वी कैन फाइंड दिस इन द ब्लो टी टेस्ट टेबल अगेंस्ट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको हम नीचे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो टी टेस्ट के दिए गए हैं उससे कंपेयर करते हैं। एन माइनस वन तो क्या होता है, एन माइनस वन होता है, एंड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ये टेबल है इसमें दिए गए हैं। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 1-2 टेस्ट के लिए दी गई है इसमें, और टी टेस्ट एट 0.5, 0.75, 0.8 सभी वैल्यूज पे इसको दिया गया है। तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए, डिफरेंट टी की वैल्यूज के लिए स्टैंडर्ड वैल्यूज में दे रखी हैं, इनसे हम कंपेयर करते हैं वैल्यू को, कम आती है ज़्यादा आती है, उसी अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालते हैं। दिस मैटर हेल्प अस चेक वेदर द डिफरेंस बिटवीन द मीन इज स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट और नॉट। इससे हम पता लगाते हैं जो डिफरेंस आ रहा है मीन में वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। रिक्वायरमेंट क्या होती है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट पॉपुलेशन, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन चाहिए। सिग्मा इज अननोन, जिसमें सिग्मा पता नहीं हो आपको, यानी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं है। टेस्ट फॉर पॉपुलेशन मीन, टेस्ट कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट, टी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस डेल अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन, वेयर एक्स बार इज द सैंपल मीन, डेल्टा इज द स्पेसिफाइड वैल्यू टू बी टेस्टेड, एस इज द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एन इज द साइज ऑफ द सैंपल। लुक अप द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ द जेड वैल्यू इन द स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल और स्टैटिस्टिकल टेबल। When the standard deviation of the sample is substituted for the standard deviation of the population, the statistic does not have a normal distribution. It has what is called the t-distribution, because there is a different t-distributions for each sample size. It is not practical to list a separate area of the curve table for each one.
इंस्टीट क्रिटिकल टी वैल्यू फॉर कॉमन अल्फा लेवल 0.10 0.05 0.01 एंड सो फॉर्थ आर यूजली गिवन इन ए सिंगल टेबल फॉर ए रेंज ऑफ सैंपल साइजेस फॉर वेरी लार्ज सैंपल्स द टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट द स्टैंडर्ड नॉर्मल जेड डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रैक्टिस इट इज बेस्ट टू यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन एनी टाइम द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट इस तरह से यदि हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है तो हमें टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना ज़्यादा सही होता है बजाय जेड टेस्ट के वैल्यूज इन द टी टेबल आर नॉट एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट बाई सैंपल साइज बट बाई डिग्री ऑफ द फ्रीडम यहाँ पर जो टी टेबल दी गई है उसमें जो वैल्यूज दी गई है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग दी गई है ना कि सैंपल साइज के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सैंपल साइज एन इज सिंपली एन माइनस वन फॉर ए वन सैंपल मीन पॉपुलेशन इस तरह से हम कह सकते हैं कि टी डिस्ट्रीब्यूशन में सैंपल साइज एन के लिए सिंपली एन माइनस वन फॉर ए वन सैंपल मीन प्रॉब्लम एक क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए इफ प्रोफेसर वांट्स टू नो इफ हर इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स कॉल्स क्लास हैज ए गुड ग्रेस्प ऑफ बेसिक मैथ सिक्स स्टूडेंट्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द क्लास एंड गिवन ए मैथ प्रोफिशिएंसी टेस्ट द प्रोफेसर वांट्स द क्लास टू बी एबल टू स्कोर अबव 70 ऑन द टेस्ट द सिक्स स्टूडेंट गेट स्कोर ऑफ 62 92 75 68 83 एंड 95 कैन द प्रोफेसर हैव 90% कॉन्फिडेंस दैट द मीन स्कोर फॉर द क्लास ऑन द टेस्ट वुड बी अबव 70 ये बता रहे हैं इसकी नल हाइपोथेसिस दी हमने म्यू इक्वल्स टू 70 इसको स्कोर 70 रखना है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू ग्रेटर देन 70 यदि आता है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा फर्स्ट कंप्यूट द सैंपल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो सैंपल मीन आएगा 475 अपॉन 6 79.17 एस आएगा 13.17 शो वी गेट टी इक्वल्स टू 79.17 माइनस 70 अपॉन 13.70 अपॉन रूट 6 वी गेट 1.7 टू टेस्ट द हाइपोथेसिस द कंप्यूटेड टी वैल्यू ऑफ 1.71 विल बी कंपेयर टू द क्रिटिकल वैल्यू इन द टी टेबल बट विच डू यू एक्सपेक्ट टू बी लार्जर एंड विच डू यू एक्सपेक्ट टू बी स्मॉलर वन वे टू रीजन अबाउट दिस टू लुक एट द फॉर्मूला एंड सी वॉट इफेक्ट डिफरेंट मीन्स वुड हैव ऑन द कंप्यूटेशन इफ द सैंपल मीन हैड बीन 85 इंस्टीड ऑफ 79.17 the resulting t-value would have been larger. Because the sample mean is in the numerator, the larger it is, the larger the resulting figure will be. At the same time, you know that a higher sample mean will make it more likely that the professor will conclude that the math proficiency of the class is satisfactory and that is the null hypothesis of less than satisfactory class math knowledge can be rejected. Therefore, it must be true that the larger the compared t-value, the greater the chance that the null hypothesis can be rejected. It follows then that if the computed t-value is larger than the critical t-value from the table, the null hypothesis can be rejected. A 90% confidence level is equivalent to the alpha level of 0.1 0 because extreme values in the one rather than two direction will lead to rejection of the null hypothesis. This is a one-tailed test and you do not divide the alpha level by 2. The number of degree of freedom for the problem is 6 minus 1 equals to 5. The value in the t table t 10 or 5 is 1.476 because the compared t value of 1.7 will be larger than the critical value in the table, the null hypothesis can be rejected and the professor has evidence that the class mean on the math test would be at least 70. Note that the formula for the one sample t-test for a population mean is the same as the z-test except that the t-test substitute the sample standard deviation as for the population standard deviation sigma and takes critical values for the t-distribution. Instead of the Z distribution. The T distribution is particularly useful for tests with a small sample and less than 30. इसलिए T distribution small samples के लिए ज़्यादा useful होता है और Z distribution more than small sample यानी large samples के लिए. A little league's basket
बेसबॉल कोच वॉन्ट्स टू नो ऑफ हिज टीम इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर टीम इन स्कोरिंग रन्स नेशनली द एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाई ए लिटिल लीग टीम इन ए गेम इज 5.7 ही चूजेज 5 गेम्स एट रैंडम इन विच हिज टीम स्कोर्ड 5, 9, 4, 11 एंड 8 रन इज इट लाइकली दैट टीम स्कोर कुड हैव कम फ्रॉम द नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम एन अल्फा लेवल ऑफ 0.05 और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बिकॉज द टीम स्कोरिंग रेट कुड बी आइदर हायर देन और लोअर देन द नेशनल एवरेज द प्रॉब्लम कॉज फॉर ए टू टेल टेस्ट फर्स्ट स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस एच नॉट बी इक्वल्स टू 5.7 एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच एन एच अल्फा म्यू नॉट इक्वल्स टू 5.7 नेक्स्ट कंप्यूट द सैंपल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार 37 अपॉन 5 7.4 एंड एस इक्वल्स टू 2.88 Then the t value t equals to 7.4 minus 5.7 upon 2.88 upon under root 5 or 1.7 upon 1.29 equals to 1.32. Now look up the critical value from the table. You need to know two things in order to do this. The degree of freedom and desired alpha level. The degrees of freedom is 5 minus 1 equals to 4. The overall alpha level is 0.05. But because this is two-tailed test, the alpha level must be divided by 2, which yields 0.025. The tabled value for 0.025 for is 2.776. The conceptual t of 1.32 is smaller. So you cannot reject the null hypothesis that the mean of this team is equal to the population mean. The coach cannot conclude that his team is different from the national distribution on run scored. तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हम वन सैंपल टी टेस्ट को हम टेस्ट करते हैं। तो इस तरह से वन सैंपल टी टेस्ट हम यूज करते हैं। इसमें हमने जाना कि वन सैंपल टी टेस्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनमें वैल्यूज क्या होती हैं। इसके बाद टी टेस्ट के लिए टेबल देखी हमने, इसमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग हमने टी की वैल्यू को हमने सेलेक्ट किया, जिससे हम लेस देन या ग्रेटर देन है, क्रिटिकल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, इससे हम रिजल्ट निकालते हैं। इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल लेके सॉल्व किए और इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।